फ्रेंड्स वेलकम टू माय किचन पेन में हम डालेंगे एक टेबल स्पून देसी घी इसमें डालेंगे आधा कप फाइन सूजी इसे भून लें चार मिनट तक सूजी को भून लें मक्खन बटर में अब हम इसमें डालेंगे एक चौथाई कप चीनी मतलब तो वन बाय फोर कप शुगर मैंने सूजी को चार मिनट तक भून लिया है अब हम इसमें चीनी डालेंगे एक चौथाई कप इसे भी दो मिनट भून लेते हैं भून लिया अब हम इसमें डालेंगे फोर हंड्रेड एम दूध चार सौ मिली दूध डाल दें इसमें और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा गाढ़ा हो के एक डो नहीं बन जाता आटा नहीं बन जाता तब तक इसको चलाते हुए भून लें ये देखें गाढ़ा हो गया है धीरे धीरे तो ऐसे हम और पकाएंगे जब तक ये पूरा गाढ़ा नहीं हो जाता और पेन को छोड़ने नहीं लगता डो नहीं बन जाता जब तक तो ये देखें ये रेडी है डो बन गया है तो इसे अब हम बाउल में निकाल लेते हैं इसे हल्का सा ठंडा करें मैंने इसे बाउल में निकाल दिया एक लीटर फुल क्रीम दूध बॉयल करें पाँच मिनट हाई फ्लेम पे इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच रोज़ वाटर और इसमें हम डालेंगे एक चौथाई कप चीनी वन बाई फोर कप शुगर और इसे चलाते हुए ध्यान से इसे बॉयल करें हाई फ्लेम पे तो इसे अच्छे से भून लेते हैं हाई फ्लेम पे मैंने थोड़ी नज़र नहीं रखी तो हल्का सा मावा खोया बन गया था ब्राउन ब्राउन कलर का अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे तो इसे भून लें आटे को अच्छे से इसमें डालें दो टेबल स्पून बटर बटर डाल दें इसमें अब हम इसके छोटे छोटे कटलेट्स या बॉल्स जो भी आपको अच्छा लगे वैसे हम इसके बनाएंगे तो ये देखें यहाँ पे मैंने बहुत सारे बना लिए आटा हमारा रेडी है समूथ डो बन गए मैंने इसमें दो टेबल स्पून बटर डाला था आटे में सूजी के डो में ताकि हाथों पे चिपके नहीं अब इसी तरीके से हम इसे सारी कटलेट्स बना लेंगे तो इतने में से आपकी पंद्रह कटलेट्स बनेंगी तो अब ये दूध में बॉयल आ गया ये देखें ब्राउन ब्राउन थोड़ा खोया बन गए तो इसमें हम ये हम सारे बॉल्स डाल देंगे दूध में जब वो बाल आ जाए और फ्लेम हाई रखनी है आपको प्रोसेस में अगर आप ठंडे दूध में या फ्लेम कम में डालेंगे तो ये टूट जाएंगे फ्लेम हाई रखें और 12 मिनट घड़ी देख के इसको पकाएं मैंने 10 मिनट पकाया था घड़ी देखकर हाई फ्लेम पे आप चाहें तो बारह मिनट पका सकते हैं थोड़ा थोड़ा हिला लें ताकि जो ये नीचे चिपके रही और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये ऊपर तैरने नहीं लगते जब ऊपर फ्लोट करेंगे सारे कटलेट्स तब हम इसको सर्व कर लेंगे और दूध भी तब तक थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा दस मिनट में हाई फ्लेम पे तीन हरी इलायची डाल दें अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो सिर्फ़ इलायची डाल दें मैंने खुशबू के लिए रोज़ वाटर डाला है और तीन हरी इलायची डाले और कलर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ वन बाय एट टी स्पून हल्दी हल्दी से अच्छा कलर आ जाएगा रस मलाई का बिल्कुल बाजार जैसी लगेगी तो इसमें वन बाई एट टी स्पून आप हल्दी डाल दें कलर के लिए आप चाहें तो किस में कोई और भी कलर डाल सकते हैं पर मैं हल्दी डाल रही हूँ क्योंकि इसका असली कलर येलो होता है और मेरे पास फूड कलर अवेलेबल नहीं है तो इसमें हल्दी डाल दें और हाई फ्लेम पे इसे पकने दें यहाँ पे घड़ी देख के इसको आठ मिनट हो गए बाकी दो मिनट और पकाती हूँ ये देखें तो टोटल मैंने दस मिनट पकाया आप चाहें तो बारह मिनट पका सकते हैं ये रेडी है इसे हम सर्व कर लेते हैं प्लेट में ऐसे आप चाहें तो फ्रिज में ठंडा करके फिर सर्व करें या गरम गरम खाएं वो आपकी अपनी मर्जी है आप दोनों ही तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं एक एक रसमली मलाई कटलेट उठाएंगे प्लेट में रखेंगे और फिर ऊपर हम इसके ये इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मलाई बन गई है दूध की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है इससे ज़्यादा गाढ़ा ना करें क्योंकि ठंडे होने के बाद ये और गाढ़ा होगा ऊपर से थोड़े पिस्ते डाल दें थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फ्रिज में रख के एक हफ्ते तक इन्जॉय करें थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू